गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ध्यान से आप लोग देखिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए जिससे आपको समझ में आए और साथ साथ सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ए रिटेल ट्रेडर हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, इसका मतलब हुआ वो डबल एंट्री फॉलो नहीं करता है, तब वो अंडर सिंगल एंट्री आ गया। फ्रॉम द डिटेल्स गिवेन यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। जो हम लोग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं वही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, फाइनल नेट प्रॉफिट। इसके बाद बैलेंस शीट बनाने को बोला, लेकिन बैलेंस शीट का नाम अलग होता है, यहां नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये जो हम लोग सोल्व करेंगे इस मेथड का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। यहां देखिए ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। ओपनिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। हमको सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। यहां देखिए स्टॉक एसेट क्रेडिटर लायबिलिटी, डेटर एसेट्स कैश एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट, फर्नीचर एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स। तो तीन एक चार एक पांच छह एसेट्स है, दो लायबिलिटी है, साइड में लिखेंगे एसेट्स लायबिलिटी आंसर कैपिटल। ड्राइंग देखिए 2400 दे रहा है। एडजस्टमेंट में देखिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर का दिया है 10%, बैड डेट बोला है 600 रूपया, अब प्रोविजन करना है डेटर का 5%, बिल्स रिसीवेबल का 200। ये एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन बैड डेट एंड प्रोविजन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। ये ओपनिंग निकालेंगे 1 अप्रैल 2017, स्टॉक इन ट्रेड एसेट्स है, स्टॉक इन ट्रेड 16700, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15400, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होता है, सन्ड्री डेटर्स 11200, कैश इन हैंड एसेट है 250, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 19200, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है 16000, बिल्स रिसीवेबल 16000, फिक्चर एंड फिटिंग्स 1500 एसेट है, फिक्चर एंड फिटिंग्स एसेट है 1500, बैंक बैलेंस एसेट है 1900, बैंक बैलेंस 1900, एसेट प्लस करेंगे लायबिलिटी की तरफ लाएंगे आंसर ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स की तरफ प्लस करते हैं 16700, 11200, 250, 16000, 1500, 1900, टोटल इज 47550। यहां लाएंगे 47550 माइनस 15400 माइनस 19200, ओपनिंग कैपिटल 12950। जैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किए हैं, सेम रूल सेम तरीका से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। आइटम मोर और लेस वही है, अमाउंट अलग है। स्टॉक इन ट्रेड 18100, सन्ड्री क्रेडिटर्स 19200, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स 10600, कैश
1400। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, नहीं लिखते हैं, नील है तो क्या लिखें। बिल्स रिसीवेबल 5000, बिल्स रिसीवेबल 5000। फिक्चर एंड फिटिंग्स, फिक्चर एंड फिटिंग्स 1500। बैंक बैलेंस 2900। इसको प्लस करेंगे इधर आएगा, यहां आंसर आएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये एसेट्स है 18100, 10600, 1400, 5000, 1500, 2900। रिजल्ट विल बी 39500 माइनस 19200, कैपिटल इज 20। जैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किए उसी हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर दिए। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब इससे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे। फॉर द ईयर इंडेड होगा 31 मार्च 2018। सबसे पहले लाएंगे क्लोजिंग कैपिटल 20300। इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का अमाउंट है 2400, बाहर गया 22700। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब फर्दर कैपिटल तो है नहीं, तो फर्दर कैपिटल भूल जाते हैं 12950। तो 22700 माइनस 12950, 97। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट पुकार सकते हैं। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे, अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%। 1500 का फिक्चर था, 10% होगा 150। बैड डेट है 600। प्रोविजन फॉर बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये डेटर पे कैलकुलेट होगा 10600 से बैड डेट का 600 माइनस करके क्लोजिंग डेटर। ये देखिए क्लोजिंग डेटर है 10600, उसमें से बैड डेट माइनस करने के बाद 5% 500। अब प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल है, इसका अमाउंट 200 दिया हुआ है, ये बाहर हुआ 1450। अब आंसर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 308। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट का नाम अलग होता है, इसका नाम हो जाता है बैलेंस शीट का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या आप उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोल सकते हो। ये देख लीजिए, लिख दिए फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका डेट होगा 31 मार्च 2018। क्लोजिंग में जो आइटम था, क्लोजिंग में आइटम था फिक्चर एंड फिटिंग्स, ये था 1500। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किए से 150। ओके, यहां था स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड 18100, स्टॉक इन ट्रेड 18100, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर था 10600,
इसमें से माइनस किए थे बाय डेट 600 तो बचा 10,000 और माइनस किए प्रोविजन फॉर बाय डेट वो 500 आया था 5% 9500 बिल्स रिसीवेबल का पैसा था 5000 और उसके अगेंस्ट में भी प्रोविजन किए थे 200 रुपया बाहर गया 4800। ठीक है, एडजस्टमेंट को यहां एडजस्ट कर दिए। बैंक बैलेंस 2900 था और कैश इन हैंड दैट इज कैश 1400 था। ठीक है, ये हो गया एडजस्टमेंट के साथ। अब आते हैं लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी में कैपिटल, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल का पैसा आया था 12950, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे। आपका नेट प्रॉफिट आया था 8300। ये हो गया 21250। ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स का पैसा था 2400, तो ये हो जाएगा 18850। इसके अलावा लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 19200। और अगर कोई लायबिलिटी हो तो ले आएंगे, कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये कंप्लीट हुआ, इसको ऐड कर देंगे। ये कुछ नहीं, एक बैलेंस शीट है, नाम अलग है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इधर से देखते हैं, यहां भी आ गया 38050। ऐसे अगर बोथ साइड मिल जाए तो सही हो गया, वैसे भी बैलेंस शीट का करेक्टर होता है, एसेट्स लायबिलिटी का टोटल मैच करना चाहिए। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आप देखो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाए, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लगा दिए। ठीक है, यहां पे आया जो प्रॉफिट, एडजस्टमेंट के पहले ग्रॉस प्रॉफिट बाद में नेट प्रॉफिट। जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लो तो बैलेंस शीट बनता है। यहां बैलेंस शीट का नाम होता है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक तरफ क्लोजिंग एसेट, ये डेट देखिएगा, क्लोजिंग सारा एसेट्स क्लोजिंग, लायबिलिटी क्लोजिंग, केवल कैपिटल ओपनिंग है। कैपिटल में फर्दर कैपिटल रहने से प्लस कर देते, नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।